जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आपके? ठीक ठाक है? डिस्कशंस कर रहे हैं अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपको पता ही है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारे पास एक एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक है। प्रीवियसली हमने डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक्स देखी हैं, जो उसमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स या इंक्रीमेंटल अप्रोच थी, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली ऐसे ब्रेनलेस कंपैरिजन्स हो रहे होते हैं, कि हर चीज़, जैसे आपने सेशन स्टार्ट में देखा कि हम एक नंबर को पकड़ते थे और सबके साथ कंपेयर करते थे। ठीक है, तो इस तरह की जो ये बेसिक अप्रोच है जिसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। उसके बाद बेटा हमने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को देखा था, जिसमें हम अपने प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर उन स्मॉलर पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और लास्टली हम उनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद हमने एक अप्रोच हीप सॉर्ट के, मतलब जिसको जिसमें हमने हीप सॉर्ट का इस्तेमाल किया, कि ऐसी डिज़ाइन सॉफ्ट एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक, जिसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम बाय यूजिंग सम डेटा स्ट्रक्चर हम अपनी एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हीप सॉर्ट के अंदर हमने देखा कि हमने हीप डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसके बाद हम बेटा अभी पहुँचे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इस टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक में अगर हमारे पास सब सब प्रॉब्लम्स हैं, ओवरलैपिंग सब सब प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आइडियल कैंडिडेट फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर हम एक ही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या चांसेस है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक ही काम हम कई कई दफ़ा कर रहे हैं। और जैसे अभी हमने रॉड कटिंग की एग्जाम्पल देखी है, उसमें यही इशू है कि वो बार बार एक ही काम कंप्यूटेशन कर रहे हैं बार बार, तो जिसका नतीजे में क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। एक्सपोनेंशियल टाइम 2 रेज़ टू द पावर एन, या कोई भी नंबर होगा, ठीक है, एन 2 रेज़ टू द पावर एन होता है, ठीक है, जो भी एन होगा। तो इसका नुकसान आज, इवन कि आजकल के कंप्यूटर्स भी इसको, इस लार्ज स्केल के इतने ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम्स को हैंडल नहीं कर सकती। अगर आपका जो इनपुट डाटा है वो बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसको हैंडल करना इवन कि आजकल के कंप्यूटर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होती है, अच्छी एल्गोरिदम की जो डिज़ाइन करते वक्त यही कोशिश होती है, इसी के इसी तरीके से वो एल्गोरिदम है कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो और कम से कम मेमोरी ले। ठीक है, तो फिर चूंकि ये एक्सपोनेंशियल है, तो हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से इसको पॉलीनोमियल टाइम लाइक आपकी एन रेज टू द पावर 2, 3, 4, जो भी पॉलीनोमियल नंबर है में हो सकती है, तो पॉलीनोमियल टाइम, ऑल्दो के अब टाइम अगर बढ़ता जाएगा तो ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन इट इज़ फार बेटर देन एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है, और जो पॉलीनोमियल टाइम है वो हैंडल हो सकता है कंप्यूटर्स के पास, अभी हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग पावर्स हैं, मेमोरी है जिसमें हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंशियल और पॉलीनोमियल के दरमियान से एक में एक का सिलेक्ट करना हो, एक का डिसाइड करना हो, तो फिर डेफिनेटली पॉलीनोमियल जो है वो एक सूटेड या इजी आप कह सकते हैं टाइम है कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, तो रॉड कटिंग में हमने पहले अभी रॉड कटिंग की प्रॉब्लम को देखा पिछली क्लास में, और उसमें हमने रिकर्सिव
एल्गोरिदम को भी देखा, जो कि बेसिक रिकर्जन के थ्रू एक एल्गोरिदम हमने देखी, बेसिक थी। तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो टाइम है वो 2^n में चला जाता है। ठीक है, तो क्या हमारे पास अब हम इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कोई तरीका कि जिसके थ्रू हम क्या करें, इसके थ्रू हम ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम है इसको कम कर दें पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। ठीक है, तो वी हैव डायनामिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली हमारे पास टू अप्रोचेस हैं, एक टॉप डाउन विद मेमोराइजेशन। ये टॉप डाउन मेमोराइजेशन वही अप्रोच है डायनामिक प्रोग्रामिंग को करने के, दो अप्रोचेस हैं। तो इसमें जो टॉप डाउन अप्रोच है विद मेमोराइजेशन, तो मेमोराइजेशन में बेटर बेसिकली वही आपकी रिकर्सिव एल्गोरिदम जो हमने बेसिक देखी थी पिछली क्लास में वही इस्तेमाल होगी, लेकिन अब इसमें मेमोराइजेशन मेमो का इस्तेमाल होगा, यानी कि हम इसमें जो काम एक दफा करेंगे उसको मेमो कर लेंगे, उसको रजिस्टर कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ताकि हमें वो दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो रनिंग टाइम है वो एक्सपोनेंशियल से पॉलीनोमियल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसमें एक इशू हुआ है इस अप्रोच का और बाकियों का, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग दस यूजेस एडिशनल मेमोरी टू सेव कंप्यूटेशन टाइम, इट सर्व्स एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम मेमोरी ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट है जो आपने समझना है कि हम टाइम बचाने में कामयाब हो गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डायनेमिक के प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपना टाइम जो है काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें पे ऑफ भी करना पड़ रहा है, और वो पे ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी है, क्योंकि हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस नाइव रिकर्सिव एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये एक ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ कह दें कि एक अब कह सकते हैं कि लेन देन ट्रेड ऑफ कह रहे हैं, या अब उसको क्या प्रॉपर, इसमें ये होता है कि अगर ट्रेड ऑफ में क्या होता है कि अगर एक चीज कम करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, अगर वो दूसरी जो बड़ी है उसको कम करते हैं तो पहली बड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर आपको एक बैलेंस पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि जहाँ पे दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हों। तो ऐसे ही मेमोरी टाइम ट्रेड ऑफ होता है, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि टाइम भी कम से कम इस्तेमाल हो प्रोसेसर का, और मेमोरी भी कम से कम इस्तेमाल हो, एज ए एल्गोरिथम डिजाइनर ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप टाइम कम करते हैं तो मेमोरी बढ़ जाती है, मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, अगर मेमोरी को कम करते हैं तो टाइम, तो फिर आपको क्या करना होता है, ट्रेड ऑफ है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। आपने देखना कि आपके प्रॉब्लम के लिए क्या सूट करता है, क्या कितनी प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं, कितनी मेमोरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरऑल जेनेरिक टर्मिनोलॉजी है फॉर एल्गोरिदम्स। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बॉटम अप मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दिस अप्रोच टिपिकली डिपेंड्स ऑन सम नेचुरल नोशन ऑफ द साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम सच डेट सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्विंग स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। वी सॉर्ट द सब प्रॉब्लम्स बाय साइज एंड सॉल्व देम इन साइज ऑर्डर स्मॉलेस्ट फर्स्ट। व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑल ऑफ द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स इट्स सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन एंड वी हैव सेव देयर सॉल्यूशंस। वी सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम ओनली वंस एंड व्हेन द फर्स्ट सी इट देन एंड व्हेन वी फर्स्ट सी इट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व ऑल ऑफ इट्स प्री रिक्विजिट सब प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है कि हम बेसिकली स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो जब हम इसको करते जाते हैं तो वो उसको साथ सेव भी करते जाते हैं, हमारे पास ये रिकॉर्ड में भी आता जाता है कि हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, और फाइनली जब ये एक दफ़ा सॉल्व हो जाती है तो फिर जब भी दूसरी दफ़ा उसको उसकी कॉल आती है तो सिंपली हमारे पास जो सोल्यूशन होता है हम उसको वो पहले से जो कंप्यूटेशन हुई होती है उसी को इस्तेमाल करके हम इसको यूज करके अपने मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम आपके सामने एल्गोरिथम है फॉर मेमोराइज्ड वर्जन, तो इसका जो मेन प्रोसीजर है
वो आपके सामने है, मेमोवाइज कट रॉड, दो पैरामीटर्स को पास हो रहे हैं पी और एन। ये जो पी है इट इज अरे ऑफ प्राइसेस, जो प्राइसेस का अरे आपने ऊपर देखा था टेबल के अंदर के साइज वन के लिए कितनी प्राइस है, फॉर द साइज टू रॉड कितनी प्राइस है, फॉर थ्री कितनी है, तो ये पी वो अरे है जिसके अंदर तमाम प्राइसेस गिवन है, ठीक है। और एन वो नंबर है जिस जो जो कि हमें कट करना है, ठीक है जी। जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं 4 इंच का रॉड हम है हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने कट करना है। तो क्या करता है जी, लेट आर 0 to n बी अ न्यू अरे, कि हमारे पास एक न्यू अरे है और इसकी रेंज है 0 to n, ठीक है। तो अगर n 4 है तो 0 to 4 हो जाएगी, तो आर आर हम इसलिए रेवेन्यू को करने के लिए आर रखा हुआ है। फॉर आई 0 to n आर आई को असाइन कर दें -∞। तो हमने क्या किया, अरे लिया 0 से n तक और हमने इस लूप के थ्रू उसको इनिशियलाइज कर दिया अरे को, और इस अरे के अंदर क्या है, तमाम जो सेल्स हैं उसको -∞ साइन कर दी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अरे अगर हमारे पास बनता है एन 4 है तो ये 0, टोटल 5 सेल हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो इन 5 में क्या होगा, सबको -∞ वो कर देगा, ठीक है साइन। ये लूप का ये काम कर रहा है, ये जितने हैं सबको -∞ साइन कर देगा, ठीक है। अब सर जो हमें रेमेडी -∞ ही लिखेंगे या फिर हम कोई भी छोटा नंबर ले लेंगे? -∞ बेटा, जब थ्रेटिकली लिख रहे हैं ना तो थ्रेटिकली ऐसे ही लिखेंगे, और -∞ इसलिए लिख रहे हैं कि जो रेवेन्यू है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 0 से 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है, रेवेन्यू है, इसलिए हम छोटा नंबर ले रहे हैं ताकि बाद में जब ये अपडेट हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसके ऊपर। उसके बाद हम बेटा रिटर्न करेंगे मेमोइज्ड कट रॉड एग्स, ये एक और सब रूटीन है जो हम कॉल कर रहे हैं, मेमोइज्ड कट रॉड एग्स एक्सिलरी के का शॉर्ट है एग्स। इसमें क्या पास हो रहा है, पी एन आर, ठीक है, पी वही प्राइसेस का टेबल इसको पास हो रहा है, एन वही नंबर है, साइज है रॉड का, और अब हमने एक अरे और इसको पास कर दिया है विच इज आर, ठीक है, और उसको हमने इनिशियलाइज करके पास किया है कि वो -∞ के साथ इनिशियलाइज है, ठीक है। तो अब इसको जो एक्सिलरी जैसा प्रोटीन है वो यहाँ पे गिवन है पी एन आर, ये सिग्नेचर आप देख चुके हैं ऊपर, पी टेबल है प्राइसेस का, एन उसका साइज है रॉड का, और आर वो अरे है रेवेन्यू का, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि सबसे पहली स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, कि इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इफ आर ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिटर्न आर ऑफ एन, ठीक है। तो ये पहली जो दो लाइंस है ना बेटा, बेसिकली इसमें चेक होता है कि क्या हमने वो काम पहले कर लिया है, हमने कंप्यूटेशन कर ली है पहले, अगर तो हमने कंप्यूटेशन कर ली है तो जाहिर है उसका रिजल्ट हमारे पास सेव होगा किसी जगह पे, ठीक है, कि आर ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आर ऑफ एन, आर ऑफ हमने जो पहला किया मेन से, जो आर के अंदर जितने चार पांच सेल हैं उसको -∞ से हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है। इफ आर ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है उसके अंदर इनिशियल वैल्यू नहीं पड़ी हुई, उसके अंदर -∞ नहीं पड़ी हुई, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आफ्टर सम कंप्यूटेशन कोई नंबर डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, 0, 1, 2 कोई भी नंबर, ठीक है। इसका मतलब है हमने कुछ ना कुछ कंप्यूट करके आर एफ एन के अंदर पुट कर दिया, आर एफ एन से मुराद यहाँ पे n 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है, जो भी कराड का कटिंग का साइज है। तो अभी फर्ज करें अगर पहली कॉल गई है तो पहली कॉल आर एफ एन यानी कि आर एफ 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, क्यों, क्योंकि अभी पहली कॉल में हमें पता है कि माइनस हाँ -∞ है उसके अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। इफ एन आगे जी स्टेटमेंट्स हैं, इफ एन इज इक्वल टू 0 क्यू को हमने 0 साइन कर देना है, ठीक है, अगर जो हमारे पास एन 0 के बराबर है तो हमने क्यू को 0 साइन कर देना है।
हमारे पास एन जीरो नहीं है, एन फोर है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, एल्स के पार्ट में चले जाएंगे। तो एल्स क्या कहता है जी, कि हम क्यू को माइनस इन्फिनिटी असाइन कर दें, ठीक है, ये एक वेरिएबल हमारे पास है क्यू, जिसको हमने माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया है। और अब इसके अंदर एक फॉर लूप है, ये फॉर लूप वही है जो हमने पिछली जो एल्गोरिदम देखी है इसकी कटर रॉड की, जो सिंपल रिकर्जन की एल्गोरिदम है, रिकर्जिव एल्गोरिदम है, वही एल्गोरिदम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये जो चेक, जो सेव और चेक करने वाली बात है ना, वो चेक यहाँ पे हो रहा है और सेव यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि हमने यही कह रहे हैं ना, कि हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसको हम सेव कर लें, अगर पहली दफा कर रहे हैं, अगर दूसरी दफा आ रहा है तो फिर उसको हम देख लेंगे, वो जहाँ भी हमारे पास मेमो में पड़ा हुआ है तो वहां से हम उसको फेच कर ले, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें हम उसको फेच कर रहे हैं, कि हमारे पास अगर देखो पड़ा हुआ है तो हम उसको वहां से ले लें, तो अगर नहीं पड़ा हुआ तो हम उसको इन लाइंस में कंप्यूट करें, और कंप्यूट करने के बाद यहाँ पे उसको सेव कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसकी जरूरत पड़े तो हम उसको यहाँ से ले सकें, ठीक है। तो ये फॉर लूप है, फॉर वन टू एन, ठीक है, तो एन यहाँ पे हमारे पास अभी फोर है, ठीक है, अगर साइज उसका रॉड का फोर है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे फ्रॉम क्यू, क्यू यहाँ पे इन्फिनिटी अभी जा रहा है, ठीक है, पहली कॉल में, और पी आई, तो पी आई अगर यहाँ पे वन है आई, तो पी एफ वन, पी ओ की वैल्यू यहाँ पे पास होगी, वन की वैल्यू वन ही है, ठीक है, जो वन साइज की जो वैल्यू है रॉड की वो वन है, टेबल ऊपर की वन है, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा रिकर्सिव कॉल जाएगी किसको जी, मेमोइज कट रॉड एक्सिलरी, इसी फंक्शन की रिकर्सिव कॉल जाएगी, जिसमें पी, अगेन पी हमारे पास क्या है बेटा, वो टेबल है, प्राइस टेबल, और क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। तो अब यहाँ पे एन है फोर पहली आइट्रेशन में, यहाँ पे एन कितना है, फोर है, जो हमने ऊपर से पास किया है, तो जब अब इस दोबारा कॉल जाएगी ना, तो दूसरी कॉल में एन थ्री हो जाएगा, एन माइनस आई, आई यहाँ पे अभी वन है, ठीक है, तो ये थ्री के साथ पास होगा, और आर वही हमारे पास रे है, जो बेसिकली क्या है, आर हमारे पास वो रेवेन्यू का, वो जिसको हमने एक रे क्रिएट किया है, जिसमें फाइव सेल्स हैं, और इसको माइनस इन्फिनिटी के साथ हमने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसमें ये जो है ना मेमोइज कट रॉड, अब ये जब क्या होगा कि अब ये दोबारा रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करेगा, तो यहाँ पे ये जो कॉल यहाँ पे इसको दोबारा से जाएगी, तो आप देखिएगा कि एन अब थ्री हो चुका है, तो इफ आर ऑफ एन यानी कि आर ऑफ थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नो, क्योंकि अभी आर ऑफ थ्री में भी वही माइनस इन्फिनिटी ही बड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये उसको यानी कि हमारे पास कोई कंप्यूटेशन का रिकॉर्ड नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि चेक करेंगे एन क्या जीरो के बराबर है, नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्यू को दोबारा से माइनस इनफिनिटी साइन करेंगे, ये अब लेगा एक प्रोसीजर है, ठीक है, पहले वाले से। अब ये देखें कि रिकर्जिव, आई होप कि आप लोगों का रिकर्जन का काम, ये रिकर्जन के कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होंगे, तो पिछला काम अभी अधूरा है, ठीक है, तो ये उसने आगे रिकर्सिव कॉल चली गई है, अभी ये जो है इसको होना है ऐड इसके रिजल्ट के साथ, और फिर उसमें मैक्सिमम फाइंड करके क्यू को साइन होना है, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे मेमोइज पे, तो ये इसने दोबारा से अपने आप को कॉल कर लिया विद थ्री, ठीक है, तो अब इसका मतलब है ये जो पुराने वाला सारा काम है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम आगे चले गए हैं, ठीक है, आगे गए हैं, तो फिर उसने अपना काम आगे शुरू कर दिया, एंड सो ऑन सो ऑन, फाइनली फिर किसी एक स्टेज पे, बेस केस पे जाके ये एल्गोरिदम स्टॉप होगी, तो फिर वो वापस रिकम्प्यूट होना शुरू हो जाएगी, फिर ये इसका रिजल्ट वापस आएगा जो इसके साथ हम ऐड करेंगे, ठीक है, उस पर फिर हम मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये बेसिक रिकर्जन की बात मैं कर रहा हूँ, तो आई होप कि इस सारे सीन को समझने के लिए आपके रिकर्जन के कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब ये थ्री में चला गया, थ्री हो गया तो चेक हुआ, नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो फिर वो अगेन ये फॉर लूप उस थ्री के लिए चलेगा, ठीक है, एक दफा ये जो फॉर लूप है किसके लिए चला है, फोर टाइम्स, जब एन फोर था, तो ये फोर दफा चलेगा, तो
जब ये इसने दोबारा किया है तो ये 3 दफा चलेगा, क्योंकि हम इसको N3 पास कर रहे हैं, फिर ये 2 दफा चलेगा, फिर वन टाइम चलेगा, ठीक है जी, ऐसे ही है। तो वन टाइम चलेगा और उसके बाद 4 4 -4 0, एक वक्त आएगा ये 0 टाइम चलेगा, ठीक है। तो सर अब तो ये 4 वाले डेस्क पे ही रखवाएगा ना सबसे पहले, जहाँ जिस पे चढ़ रहा है, तो ये सारा प्रोसीजर खत्म हो गया, क्यू में 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, 4 वाली की आ जाएगी, फिर 3 वाले की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, फिर 2 वाले की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, फिर 1 वाले की मैक्सिमम आ जाएगी, फिर 0 वाले की आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू का हमने अभी बनाया है इधर, यही तो है ना ये वाला, इसमें ये इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है और 4 है, जी ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इस एल्गोरिदम के एंड पे क्या होगा कि इससे हमें फाइनली ये रे को फिल करना है, हमें ये रे फिल होगा फाइनल, ठीक है, कि ये रे फिल होगा। तो इसमें हमें जो लेंथ 4 के ऊपर हमें पता चल जाएगा कि हमें मैक्सिमम कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, विच इज 10, जो कि हमने पिछले में देखा है, ठीक है, समझ गए। तो अब मैंने यहाँ पे ना एक बड़ी क्रिटिकल बात कर दी है, मुझे नहीं पता कि आपने पिक की है कि नहीं, वो ये है कि ये जो फॉर लूप है ना, ये कितनी कितनी दफा चल रहा है, 4 टाइम चल रहा है, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, ठीक ऐसे ही है। अगर जी ये रॉड का साइज 4 के बजाय 100 हो तो फिर कितने कैसे चलेगा ये लूप, अगर 4 की जगह पे 100 हो तो क्या होगा, 100 पहली दफा लूप 100 टाइम चलेगा, फिर 99 99, फिर 98 98, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रहा है, ये कौन सी सीरीज बन रही है हमारे पास, अगर हमने इसको ऐड करना है, ये सबको ऐड करना पड़े तो ये कौन सी सीरीज बनी, ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक। कौन सी ज्योमेट्रिक बनेगी या अरिथमेटिक बनेगी, अच्छा चलें, ये ओपन क्वेश्चन मैंने आपकी छोड़ दिया है। इस ये जो बात है ना, इससे आपने क्या निकालना है, इसका रनिंग टाइम आपने फाइंड आउट करना है, इसका रनिंग टाइम आपने फाइंड आउट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। मैंने ये बेसिक चीज़ आपको बता दी है, थोड़ा सा जो बेसिक क्लू आपको दे दिया है कि क्या कितनी दफ़ा चल रहा है लोग, ठीक है। आई होप बाकी आप खुद ही अब इसका रनिंग टाइम निकाल के नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि इस जो मेमोइज वर्जन है इसका क्या रनिंग टाइम है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको पॉलिनोमियल है, लेकिन आपने मुझे इसका लॉजिक भी बताना है साहब, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वर्जन की, विच इज बॉटम अप कट रॉड, ठीक है, दूसरा वर्जन है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। दोनों का टाइम सेम ही आता है तकरीबन, ठीक है, दोनों वर्जन्स का सेम टाइम आता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसमें देखें इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, लेट आर 0 to n बी ए न्यू अरे, हमने इसमें भी फिर अगेन एक न्यू रे क्रिएट कर लिया है, जिस जो के 0 से लेकर कहाँ तक है, एन तक है उसकी लेंथ, आगे है आर ऑफ 0 को 0 साइन कर दिया। तो ये जो पहला है ना उसको हमने 0 साइन कर दिया, ये इसको आर ऑफ 0 को 0 साइन कर दिया, J1 to n क्यू को -∞ हमने साइन कर दिया, ठीक है, और फॉर I1 to j ये नेस्टेड लूप अब स्टार्ट हो गया, ये आउटर लूप है उसके अंदर एक नेस्टेड लूप है, जो I1 to j जाएगा, j कहाँ से मिलेगी, j की वैल्यू ये आउटर लूप से मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, j की वैल्यू यहाँ से पिक करेगा। तो क्या करेगा, मैक्सिमम ऑफ क्यू Pi+RJ-1, इसको इसमें से जो मैक्सिमम है वो क्यू में चला जाएगा, और फिर जब ये लूप इनर लूप खत्म होगा तो फिर यहाँ पे आर एफ जे में वो वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है, और फिर जब ये टोटल जो डबल लूप हैं ये खत्म होंगे तो फिर आर एफ एन की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न होगी, यानी कि वो आखिरी वैल्यू होगी आर एफ एन, यानी कि अगर N4 है तो वो आर एफ 4 की वैल्यू हमें रिटर्न होगी, विच इज 10, जो कि हम देख चुके हैं, हमने इंस्पेक्शन के थ्रू देखा था कि 4 इंच के राड को हम अगर हम
कट करें तो मैक्सिमम हमें कितना रेवेन्यू मिल सकता है, तो हमें पता था कि हमें अगर उसको टू टू के पीसेस में कट करें तो 10 रेवेन्यू मिल सकता है। ठीक है, अब इसको देखें, इसका थोड़ा सा दोबारा से हम रिव्यू कर लेते हैं। फॉर J1 to N, ठीक है, तो J n फर्ज करें 4 है हमारे पास, ठीक है, तो 1 to 4 जाएगा, Q को माइनस इन्फिनिटी साइन हो जाएगा, I 1 to J जाएगा, 1 to J जाएगा, तो 1 to J, J इस वक्त क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 to 1 नहीं जाएगा, तो ये लूप सिर्फ जो अंदर अंदर वाला लूप है ना, ये एक दफा चलेगा पहली दफा, ठीक है, पहली दफा ये एक दफा चलेगा। मैक्सिमम ऑफ क्यू, क्यू में क्या पड़ा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, PI में क्या पड़ा, PF1 में पड़ा हुआ है 1 + RJ-1, J है 1 और I भी 1 है, तो 1 - 1 0, तो R of 0, तो R of 0 में क्या पड़ा हुआ है, 0, तो ये 0 + 1 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, और Q में हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी, तो कौन पड़ा है इस दोनों में, माइनस इन्फिनिटी और 1 में कौन पड़ा है, 1, ठीक है, तो Q को साइन हो जाएगा। अब Q जो है ना, Q की वैल्यू मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब Q की वैल्यू में ना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पहली आइटरेशन के बाद, ठीक है। अब देखें कि ये अंदर वाला लूप सिर्फ एक दफा चला, क्योंकि उसने J टाइम चलना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये खत्म होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा R of J Q, तो R of J हमारे पास है 1 और Q उसको साइन हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1, यहाँ पे इसको 1 साइन हो जाएगा, तो पहले पहले को 0 साइन था, अब यहाँ पे 1 हो गया, तो अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा ड्रा करता हूँ कि पहले 0 आ गया था, पहले 0 नेक्स्ट पे, और यहाँ पे अब 1 आ गया, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं, अब J2 हो गया, J2 to N, मतलब कि अब 2 हो गया है J, Q को हमने माइनस से इन्फिनिटी साइन कर दिया, फॉर I 1 to J, अब J हो चुका है 2, तो ये अंदर अंदर वाला लूप कितनी दफा चलेगा, 2 दफा, अब ये 2 दफा चलेगा, तो कैसे चलेगा 2 दफा, मैक्सिमम Q जो कि अभी माइनस इन्फिनिटी है हमारे पास, PI मतलब कि अब I हमारे पास है 1, ठीक है, और 1 का PFI जो 1 है, PF1 का आंसर 1 है, ठीक है, 1 + RJ-1, तो जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास बेटा 2 है, ठीक है, और -1, माइनस आई या जो अभी आई हमारे पास 1 है, तो 2 - 1 1, तो R of 1, ठीक है, तो R of 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1, ठीक है जी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और क्यू है माइनस इन्फिनिटी, तो हमें जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिली है वो 2 की मिली है, 2 की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो अब चूंकि ये अभी इनर लूप अब 2 दफा चलना है, तो अब पहले चक्कर में 2 वैल्यू, क्यू को 2 वैल्यू साइन हो गई है, 2 नंबर साइन हो गया, ठीक है, क्यू को। अब हमने जब इसका दोबारा से इनर लूप चलाया, तो अब जो जो मैक्सिमम ऑफ क्यू है ना, तो क्यू के पास है 2, और जो दूसरा पार्ट है उसके पास क्या है, PFI, यानी कि अब आई हो गया 2, तो 2 की वैल्यू 2 है टेबल में मेरे ख्याल से, ऊपर देख लेते हैं अगर आपको याद है, 1, हाँ जी, 2 की क्या वैल्यू है, 2 की वैल्यू है बेटा 5, ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं, 2 की वैल्यू है 5, टू की वैल्यू हमारे पास है 5, और R of J-1, J है 2 और I भी 2 है, तो 0 हो गया, ठीक है, तो R of 0 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो 5 5, यहाँ पे 5 आ जाता है और यहाँ पे Q पे 2 आ जाता है, तो इसमें दोनों में बड़ा कोण है 5, ठीक है, तो Q को साइन हो गया 5, तो ये R of J विच इज R of 2, अब उसको साइन हो गया है 5, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने सब जो लूप है एन टाइम चलेंगे, यानी कि 4 टाइम चलेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू फिल होती जाएगी, तो फर्ज करें हम कर लेते हैं इसको, तो अब जो है जे हमारे पास हो गया 3, ठीक है जी, जब जे हमारे पास 3 हो गया, तो अब क्या होगा कि क्यू को माइनस इन्फिनिटी हमने साइन कर दिया,
i1 to j, यानी कि अब ये i ये 3 टाइम चलेगा, इनर लूप अब 3 दफा चलेगा, 1 to j यानी 1 to 3। क्यू को साइन हो गया मैक्सिमम, जो कि अभी माइनस इनफिनिटी है, ठीक है। मैक्सिमम जो है मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज जो क्यू के पास अभी माइनस इनफिनिटी है, और पी एफ आई है 1, और 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है टेबल के अंदर, 1 1 प्लस आर जे माइनस 1। तो जे इस वक्त हमारे पास है, इस वक्त हमारे पास है बेटा जे, इस वक्त है हमारे पास i2j, j है 3 इस वक्त, ठीक है जी। तो 3 माइनस 1 2, तो r of 2, तो r of 2 हमारे पास है 5, और ये वैल्यू पड़ी हुई है pfi 1, 6 हो गया, ये टोटल 6 है और माइनस इन्फिनिटी है, तो डेफिनेटली इसमें 6 की वैल्यू बढ़ी है। तो पहली आइट्रेशन जो इनर लूप की पहली आइट्रेशन में 6 आंसर आ गया। अब जब दूसरी आइट्रेशन इनर लूप की चलेगी तो अब i2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू की जगह पे 6 पड़ा हुआ है, i2 है तो 5 है, 5 है तो प्लस आर जे हमारे पास क्या है 3, 3 माइनस 2, तो बाकी क्या बचा 1, तो r of 1 पे क्या पड़ा हुआ है 1, ठीक है। तो 5 प्लस 1 6, तो 6 6 दोनों में 6 6 आ गया, तो दोनों में मैक्सिमम कोई भी एक नंबर लेने तो हम एक वो 6 का 6 ही रहेगा उसको, ठीक है। उसके बाद तीसरी आइटेशन इनर लूप की चलेगी, तो अब हमारे पास i3 हो चुका है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्यू, अब क्यू की वैल्यू 6 है, और pfi यानी कि pf3, तो pf3 की हमारे पास वैल्यू क्या है सबका, pf3 की मेरे ख्याल से 8 वैल्यू है। pf3 की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है 8, ठीक है। तो 8 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हाँ जी। अब इसमें देखें कि 8 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, और r of j माइनस i, ठीक है। j इस वक्त हमारे पास क्या है 3, और i भी 3 है, तो 0 हो जाएगा। तो r of 0 में 0 पड़ा हुआ है, तो ये 8 और 6 आ गया, तो इसमें बड़ा कौन सा है 8, ठीक है। तो अब जो 8 है वो r of j को साइन हो जाएगा, यानी कि r of 0 1 2 3 को j साइन हो जाएगा, विच इज 8, ठीक हो गया। अब ये जो आउटर लूप है उसकी आखिरी आइटरेशन चलने लगी है, आखिरी आइटरेशन चलेगी तो क्या होगा कि आप देखें कि हमारे पास n4 है, तो अब j भी 4 हो चुका है, ठीक है। आखिरी आइटरेशन है, q को माइनस इनफिनिटी साइन कर देते हैं, तो अब ये इनर लूप है ये भी कितनी दफा चलेगा, ये 4 टाइम चलेगा। तो 1 to j 1 to 4 ये अब चलेगा, तो मैक्सिमम ऑफ फाइंड हमने करना है क्यू, क्यू में अभी माइनस इनफिनिटी पड़ा हुआ है, पी एफ आई 1 है, 1 हमारे पास क्या है 0, ठीक है। पी एफ जो हमारे पास टेबल में 1 की वैल्यू इस वक्त हमारे पास क्या है 0, 0 प्लस आर जे माइनस 1, जे है 4 और आई है 1, तो ये आ जाएगा 3। तो r of 3, तो r of 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो r of 3 की वैल्यू यहाँ पे 8 मौजूद है, 8 प्लस 1 9, ठीक है। एक साइड पे है 9 और एक साइड पे है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एक साइड पे है माइनस इन्फिनिटी, एक साइड पे है 9, तो 9 बड़ा है, तो 9 वैल्यू क्यू को साइन हो जाएगी, ठीक है। अब क्यू के पास जो अगली आइटरेशन में वैल्यू आ गई है 9, ठीक है। अब अंदर का लूप दूसरी दफा जब चलेगा तो क्यू के पास 9 पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको शो कर दिया है, और pf i 2 हो चुका है, तो ये 2 पे हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, 5 प्लस r of j हमारे पास 5 4 है, 4 माइनस 2 2 r of 2, ठीक है। तो r of 2 में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 5, तो 5 प्लस 5 10, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है 10, ठीक है। तो ये 10 हमारा, अब q को 10 साइन हो गया, ठीक है। अब थर्ड आइटरेशन पे आ जाएं, इसमें देखें q के पास 10 पड़ा हुआ है, pfi विच इज नाउ 8, 3 है जो हमारे पास 8 है, और 4 माइनस 1
ये हमारे पास 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, आर एफ 1 1, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9, तो 9 और 10 में कौन बड़ा है, 9 और 10 में बेटा हमारे पास 10 बड़ा है, तो क्यू के पास 10 की वैल्यू ही मेंटेन रहेगी। अब है फाइनल आखिरी चक्कर, उसमें क्या होगा कि आई 4 हो चुका है, क्यू के पास 10 पड़ा है, और पी एफ आई, पी एफ 4 की वैल्यू क्या है, पी एफ 4 पे क्या प्राइस है हमारे पास, तो हम टेबल में देख लेते हैं कि 4 के साइज पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो हाँ जी, 9 पड़ी हुई है, ठीक है, 9 पड़ी हुई है। तो अब पी एफ आई यानी कि अब वहाँ पे 9 हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो अब 9 जो वैल्यू है उसमें आर जे माइनस 1, तो 4 माइनस 4 0, तो आर एफ 0 तो 0, तो ये अगेन 9 आ जाएगी, ठीक है, तो ये 9 है। आखिरी आइटरेशन जो इनर लूप की 4 चक्करों के बाद ख़त्म हो गई है, अब क्यू के पास मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 10 पड़ी हुई है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू 10 पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो अब दोनों लूप खत्म हो चुके हैं, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, ये आर एफ एन, तो आर एफ एन क्या है बेसिकली, हमने एन 4 था तो आर एफ 4 वैल्यू वापस करनी है, जो कि अब हमारे पास 10 हो चुकी है, ठीक है, तो इस एल्गोरिथम ने हमें 10 रिटर्न कर दिया, और यही वही रिजल्ट है जो हम पहले भी गेट कर चुके हैं, कि साइज 4 के जो राड है अगर हम उसको कट करें तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम गेट कर सकते हैं, मैक्सिमम रेवेन्यू जो हमारे पास बेटा आ सकता है वो 10 है, ठीक है। तो अब अभी आपने जो एल्गोरिथम देखी है, तो अब इसमें जो चीज़ मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो इसका एनालिसिस है, कि आपको पता चले कि ये एल्गोरिथम कितनी दफ़ा चली है। तो आप देखिए इसमें नेस्टेड लूप है, और नेस्टेड लूप में जो अंदर का लूप है वो पहली दफ़ा 1 दफ़ा चला है, फिर 2 दफ़ा चला है, फिर 3 दफ़ा चला है, फिर 4 दफ़ा चला है, ऐसे ही है। तो ये अगर उसका साइज 4 है तो 4 टाइम्स रन एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, तो अगर फर्ज करें अगर एन का साइज है 100 तो फिर कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, पहली दफा 1, फिर दूसरी दफा 2 3, अप टू आखिरी दफा जो है वो 100 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका सारा रनिंग टाइम कर निकालना, तो हम सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो अब अगेन मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कौन सी रिथमेटिक, ये कौन सी सीरीज ज्योमेट्रिक बन रही है, होगी ना सर, बेटा रिथमेटिक होगी ना बच्चे, क्या होता है, ठीक है। तो वो ये दो हमने वर्जन देख लिए हैं फॉर दी रॉड कटिंग प्रॉब्लम, वन इज नोन एज मेमोराइज वर्जन एंड द सेकेंड वन इज बॉटम अप कट रॉड वर्जन, ठीक है जी। तो इसको आपने, हम देखना है इसको अच्छे तरीके से समझना है।